हेलो, आप सभी का बेस्ट नॉलेज इन बैग में वेलकम है। दोस्तों, आओ शॉपिंग का एक बेहतरीन सा किट बनाते हैं। 9 इंच की चौड़ाई है, जिस पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड। इस पे हम हैंडल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हैंडल लगा लेंगे, चारों तरफ सिलना है हैंडल के, जिससे हमारा मजबूत हो सके। दोस्तों, क्या है, जो हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन में बहुत नुकसान दे रहा है। और इस प्लास्टिक से बचने के लिए हमें चाहिए अपने पास कपड़ों की या कुछ ऐसे चीज़ की जो नुकसानदेह नहीं है, जो यूज, जिससे हमारा कचरा वेस्ट ना हो, जो कचरा हमारा गल जाए, ऐसी चीज़ों का थैला बना के आप अपने पास रख सकते हैं। आप अपने घर में बना सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। देख लीजिए इस वीडियो को और आराम से आप अपने घर में बना सकते हैं। ये हमारा हैंडल लग चुका है। अब इसके सेंटर में हम टक लगाएंगे दोस्तों। ये सेंटर में हम टक लगा लिए। अभी साइड है, साइड में के नीचे भी टक लगाएंगे और दोनों टक को मिला के हम आगे हाथ मिलाएंगे, ताकि हमारा वो बराबर बैठ पाए, और सिल देंगे इसको। सिलने के बाद दोस्तों, दोनों साइड इसी तरह सिलेंगे हम, सेम तरह से। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है प्लास्टिक से बचना। हिंदुस्तान को बेहतर बनाना है दोस्तों, तो प्लास्टिक को अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। देखो, ये थैला हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये साइड में जो किनारी है ऐसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो हमें हैंडल का लगा है, जिसका हम हैंडल लगाए हैं, उसी का हम कवरिंग डाल देंगे। और दोस्तों, कवरिंग हमेशा लगाते समय ये ध्यान रखें कि ऊपर साइड से लगा, जिससे खूबसूरती जो बेहतरीन सिलाई जो है वो ऊपर नज़र आए। दोनों साइड लगाएंगे, ऊपर भी लगा देंगे, जिससे हमारा खूबसूरत भी लगेगा। दोस्तों, थैली जो है एक कमज़ोर चीज़ होती है, और कभी सामान रखने के बाद फट भी जाता है। और ये हमारा हाथ का बना हुआ कपड़े का थैला रहेगा, कभी नहीं फटेगा। हम कंपनी में काम करने जाते हैं तो खाना लेके जा सकते हैं इसमें, कहीं ऐसे जाते हैं तो इसमें अपना पानी वगैरह रख के जा सकते हैं। मार्केट से कुछ लेना हो तो अपने पास ही ये थैला रखें। दोस्तों, सबसे बेहतरीन बात है, इसको हम समेट के अपने जेबों में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से थैला बना के आप अपने साथ रखें, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।